Hello bachcho and welcome back to my channel. Today we will start question number 2nd of exercise 5.3. So let's start. So dekhiye question hai find the sum given below. Aapko ye statement de rakhi hai 7 plus 10 1 by 2 plus 14 plus so on plus 84. Aapko iska sum nikalna hai. So dekhiye sum nikalna kitna aasan hai. Aapko pata hai a kya hota hai? First value is a. Right? डी क्या होता है सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस निकालिए इसे 10 टू जा 20 21 बाय 2 माइनस 7 बाय 1 एलसीएम लीजिए 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 पे यह आ गया 21 माइनस 1 के टेबल पे 2 तो यह आ गया 14 21 माइनस 14 इज 7 बाय 2 तो डी आपके पास आ गया 7 बाय 2. अब ये 84 आपका क्या है लास्ट टर्म इज an इज इक्वल टू 84. आपके पास ये तीन चीजें गिवन है. अब आपको इसमें सम का फॉर्मूला निकाल के इसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम इसमें an का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि an a और d आपको गिवन है. तो an क्या होता है a प्लस एन माइनस वन डी. इससे हमारा एन निकल जाएगा. ए एन इज 84, ए इज 7, एन माइनस वन डी इज 7 बाय 2. 84 इक्वल टू 7 प्लस 7 बाय 2 को इससे करेंगे 7 बाय 2 एन माइनस 7 बाय 2. राइट. अब 84 एज इट इज 7 बाय 1 माइनस 7 बाय 2 प्लस 7 बाय 2 एन. इसे आगे लिख दिया एन को अलग. नाउ 84 इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 2. 1 के टेबल में 2 करेंगे तो क्या होगा 2 तो 7 टू जा 14. यहां पर 2 के टेबल में 2 1, यहां भी 2 के टेबल में 2 1 तो 7 वन जा 7 माइनस 7 एन. नाउ 84 इक्वल टू 14 माइनस सॉरी ये प्लस है 14 माइनस 7 इज 7 प्लस 7 एन डिवाइडेड बाय 2. क्रॉस करिए 2 को इससे मल्टीप्लाई 84 इंटू 2 इक्वल टू 7 प्लस 7 एन. नाउ मल्टीप्लाई 4 टू जा 8 8 टू जा 16 7 प्लस 7 एन प्लस 7 यहां जाएगा तो 168 माइनस 7 7 एन 161 माइनस 7 एन 161 बाय 7 इक्वल टू एन. 7 से सॉल्व करते हैं 7 टू जा 14 7 थ्री 21 23 इक्वल टू एन. आपके पास एन आ गया 23. अब हम एस एन यानी कि सम निकालने का फॉर्मूला लगा के सम फाइंड आउट करें. नाउ सम का फॉर्मूला एस एन यानी सम का फॉर्मूला एन बाय 2 ब्रैकेट ए प्लस एल. जो फॉर्मूला हमने पूरा पढ़ा था वो था ए प्लस आपने पढ़ा एन माइनस वन डी. अब देखिए जब हमारे पास लास्ट टर्म हो तो हम लगाएंगे ए प्लस एल या फिर एल की प्लेस पे आप और क्या लिख सकते हैं ए एल. तो अब देखिए एन बाय टू एन आपका निकला 23 बाय 2 ए था आपके पास 7 ए एन था 84 23 बाय 2 8 and 7 and 4 91. Now 23 by 2 91. 23 into 91 2093 by 2. Ab ise mixed fraction mein likhein 2 2 se karenge 2 1s are 2 0 टू फोर सा 8, टू सिक्स सा 12 एंड 1. ये आपका निकल के आ गया एस एन. मीन्स हमें फाइंड द सम निकालना था तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका सम आ. अब करते हैं बच्चों इसका सेकेंड पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट इज 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस सो ऑन प्लस 10. अब इसका सम निकालेंगे सेम मेथड. ए आपके पास 34, डी आपके पास 32 माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस 2. ए एन इक्वल टू
10. Now, an equal to a plus n minus 1 d. 10 equal to 34 plus n minus 1 into minus 2. 10 equal to 34. अब देखिए माइनस टू प्लस एज इट इज माइनस टू को एन से करेंगे माइनस टू एन माइनस माइनस प्लस टू वन जा टू. नाउ ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस टू एन प्लस टू. 10 इक्वल टू 34 एन टू 36 माइनस टू एन 36 यहां ले आइए 10 माइनस 36 इक्वल टू माइनस टू एन माइनस 26 इक्वल टू माइनस टू एन माइनस से माइनस कैंसिल. माइनस का 26 क्यों 36 बड़ा है 10 छोटा है तो जो बड़ी डिजिट है उसका साइन. नाउ 26 इक्वल टू 2n 26 बाय 2 2 1 जा 2 3 जा यानी कि n की वैल्यू आपके पास आ गई 30. अब सम का फॉर्मूला n बाय 2 a प्लस n तो n आपके पास 13 बाय 2 a आपके पास है 34 लास्ट डिजिट 10. 13 बाय 2 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 44. 222 जा 44. नाउ 13 इंटू 22 दिस इंप्लाइज 13 को 22 से 3 टू जा 6 2 1 जा 2 3 टू जा 6 2 1 जा 2 2 8 6 तो आपका सम क्या आ गया 286. ठीक है बच्चों अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट इज माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 11 प्लस सो ऑन प्लस माइनस 230. इसका सम निकालेंगे. ए आपके पास क्या है माइनस 5 डी आपके पास माइनस 8 में से माइनस करना है माइनस 5. इसका हमेशा ध्यान रखिए समटाइम आप इसमें से इसे माइनस कर देते हैं और गलत लिख देते हैं. आपने बिल्कुल साइन का ध्यान रखना है और फिर इसे सॉल्व करना है तो माइनस 3 आएगा. 8 में से 5 3 लेकिन माइनस का आना चाहिए क्योंकि हमें इसमें से इसे माइनस करना है तो इसका साइन माइनस का इसका साइन माइनस का और जो माइनस करना है उसका साइन तब आपका यह आया माइनस 3. ए एन आपके पास है माइनस 230. फॉर्मूला लगाइए ए प्लस एन माइनस 1 डी माइनस 230 इक्वल टू माइनस 5 एन माइनस 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई माइनस 230 माइनस 5 माइनस 3 को एन से करेंगे माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 वन्स आर 3. नाउ माइनस 230 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 बाहर प्लस हो तो अंदर की डिजिट एज इट इज उतर जाती है. माइनस 230 माइनस 5 एंड 3 इज माइनस 2 माइनस 3n माइनस 2 यहां ले आइए माइनस 230 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3 10 माइनस 2 8 2 2 साइन इज माइनस माइनस 3n माइनस से माइनस कैंसिल 228 इक्वल टू 3n 228 बाय 3 इक्वल टू n 3 से करिए 3 7 जा 21 3 6 जा 18 76 आपके पास क्या आ गया n. नाउ सम का फॉर्मूला n बाय 2 a प्लस n sn तो हमारे पास नहीं है n हमारे पास है 76 ये है 2 a की वैल्यू आपके पास माइनस 5 एंड l मींस लास्ट वैल्यू इज माइनस 230. ठीक है अब 76 बाय 2 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 230 76 बाय 2 मल्टीप्लाई इसे ऐड करेंगे तो माइनस 235 2 से कट कर दीजिए 2 3 जा 6 2 8 जा 16 38 मल्टीप्लाई 235 मल्टीप्लाई करते हैं 235 इंटू 38 8 5 जा 40 8 6 24 25 26 27 28 8 2 16 17 18 5, 3, 15, 3, 2, 9, 10, 3, 2, 6, 7. This implies minus 8, 9, 3, 0. ये आ गया आपका इस पूरी वैल्यू का सम. तो बच्चों आज हमने किया क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 5.3. होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा.
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।